अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ हिना पटेल और आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ चिकन आलू का सालन, जो कि झटपट से बनकर रेडी हो जाता है। हम इसे कुकर में बनाएंगे तो इसे बनने के लिए सिर्फ 10 मिनट ही काफ़ी होते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया है और प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है हमें। तो यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छी तरह से गरम हो चुका है। तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए थे, तो एक आलू के मैंने यहाँ पर 4 टुकड़े कर लिए हैं। आलू को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के लिए हमें 2 से 3 मिनट लग जाएगा। तो चलिए अब हमारे आलू अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब तो उसी ऑयल में हमें ऐड कर देना है कुछ खड़े गरम मसाले। तो 4 लौंग, 4 काली मिर्च, 1 हरी इलायची, 1 चक्री फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 से 4 मैंने यहाँ पे तेज़पत्ता इसमें ऐड कर लिया है। इसे 1 से 2 सेकंड के लिए हमें सौते कर लेना है। तो चलिए अब ये अच्छी तरह से सौते हो चुका है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने एकदम बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, और इसमें ऐड कर देंगे हम। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए फ्राई कर लेना है। ध्यान रखिएगा, इसे परफेक्टली गोल्डन ब्राउन कर लेना है, कच्चा पक्का नहीं रखना है, नहीं तो ये प्याज सालन में तैरेगी। तो देखिए अब हमारी प्याज एकदम परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन को। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके इसमें ऐड कर लिया है, और चिकन को हमें भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर इसका कलर जब तक चेंज ना हो जाए तब तक के लिए हमें इसे भून लेना है। तो देखिए अब हमारे चिकन का अच्छी तरह से कलर चेंज हो चुका है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 3 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर ली है, और 3 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिए थे, इसे बारीक बारीक सा चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। कुछ पाउडर मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो 2 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दिया है, 1 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड कर लिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे तेज़ आँच पर। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/2 कप पानी, और पानी डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और इसे भी हम भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें से जो कच्चे मसाले की स्मेल होती है वो निकल जाए। तो चलिए 1 से 2 मिनट हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए आलू, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर धनिया पत्ती इसमें चॉप कर ऐड कर लिए हैं, और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 ग्लास पानी। आप अपनी थिकनेस के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। तो प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर 2 सीटी आने तक के लिए हमें वेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 सीटी ले ली थी, और फिर 5 मिनट बाद कुकर के ढक्कन को ओपन कर लिया था, और देखिए हमारा मज़ेदार सालन बनकर रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मेरे चैनल का नाम है हिना पटेल की बजट में कुकिंग, तो आपके बजट में आपको यहाँ पर कुकिंग मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ में प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन बेल को। तो रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।